ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं, नमस्ते जगन्नाथायो नमो यशवंतानंदं बलरामा नमो नमः। बलरामा नमो नमः। पद्मावन राजा हंसाई नमो अच्युत ब्रह्मा, तरणी शरण मगोई आओ नम ज्ञाना। पद्मावन राजा हंसाई नमो अच्युत ब्रह्मा, चरणी शरण मगोई आओ नम ज्ञाना। निमालवासी हे मनमथ प्रभु शून्य पुरुषा, गणी लगण ना करी कलि काल भविष्य। पद्मावन राजा हंसाई नाम अच्युत ब्रह्मा, चरण शरण मागई आउ न मागे आना। बलि महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सिद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली, आजर अध्याय को आपण मानक स्वागत जनावु। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया को जाऊँ महापुरुष अच्युतानंद 64 पटल और 64 पटल विषय कुड़ी जुगर आयुष 432,000 वर्षर 5,000 वर्ष भोग जाई आउ सब पापर त्रुटब क्यों पापर त्रुटब से विषय महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामदास आगे कही कि भगवान कृष्ण द्वापर युगर अर्जुन को कही बाबू आउ क्यों पाप जो कली युग आयुष के कटो कृथा जो समय रे दान दे दियो नहीं बोली जाने दिए जेवे कही दियो नहीं बोली जाने दिए जेवे कही नहीं बोली जाने दिए जेरे कही। महापुरुष कहते बाबूरी दाता जो समय रे दान दे गोसेवा न करिबा जो गुरुर अनादर जो 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 क्षति हुए लक्ष वर्ष कली जुग अक्षय जाए आम से विषय गत अध्याय आलोचना कर आउ क्यों पाप जो कलि युग आयुष कटिबो ना ना दाता जो समय रे दान दे मन कर स्वामी स्त्री कारे जाऊे गला बेले गोटे ट्राफिक पोस्ट रे धर गाड़ी सेठी स्टॉप होकर अटकी रहा मगुच जड़े नहीं मगुच भिकारीटी हो कौन क्षुधार्टी हो दान मगुच कि पैसाटे मगुच कि खाई मगुच स्वामी जदि बाहर करदे तो स्त्री हाथ नहीं नहीं कौन दौ कौन केते दबो तुम रख रख पैसा रख नहीं नहीं दबा दरकार नहीं केते दबो तुम दबा दरकार नहीं ये इमितिया सेमितिया दाता जो समय रे दान दे दियो नाई बोली जाने जदि दिए कही नाई दान दबा दरकार नहीं आम दबा तुम रख दब पाखे दबापाई जदि बारण करे जदि बारण करा जाए ताले जी बारण कला तार पाप हम जी न दिए जी दब ना तार पाप से तो अलग कथा किंतु जी दिए ना बोली कही दिए तार पाप हुई आप केते हुई ना 14 बरस जे फटई रे अर्जुन शुणीण हेतु रख रोदा
अर्जुन सुनी ना हे तो प्रकार दया रे अर्जुन सुनी ना हे तो प्रकार दया रे बाबूरी जे चौद शह वर्ष कटई तहिरे चौद शह वर्ष कटिजीव कड़ीजुगर आयुष जदि दाता दान दौले जन मना कर दिए ना दिया ना ये पाप जो कड़ीजुगर आयुष कटे आउ बाल हत्या दोषे सात सहस्र स्त्री हत्या रे बतीस हजार तो हजार तू बाबो हजार तू हजार तू बाबो हजार तू बोले बाल हत्या दोषे सात सहस्र कटिव बाल हत्या दोष रे सात सहस्र कलिजुग सहस्र हजार सात हजार वर्ष कलिजुगर क्षय होइजिव चारि लक्ष बतीस हजार वर्ष ज्ञान गुणी मंडली शुद्धि जानी तेरे महापुरुष कहते बाल हत्या तीन टा हूँ कौन ना महापाप भागवत से सुंदर भाव में कौन कही अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत बोले बाबूरी ए पापंक मथे परमात श्रीगर्भिणी शिशुवत राधे गोविंद 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 पदुगाळुचि मकरंद पापंक मध्ये परमाद स्त्री गर्भिणी शिशुवत पापंक मध्ये परमाद कहते तो उपरे प्रमाद पड़ा कि शेष बड़े आसिक पहुँचला कि विपद पड़ा जाऊँ प्रमाद तेज पड़ा कि तेणु ये पापंक मध्ये परमाद सबुठारु बड़ पाप कौन ना तीनटी स्त्री गर्भिणी शिशुवत स्त्री गर्भिणी एवं शिशु आओ ये तीनी कर्म दे करंती जीवन थाउ से मरंती राधे गोविंद 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 पदुगा रुचि मकरंद आओ आनंदे बोला हरी हरी हरि करिबे भवपारी राधे गोविंद 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 पदुका रुचि मकरंद आपंक मध्ये परमाद स्त्री गर्भिणी शिशुवध जी स्त्री की मारे गर्भिणी यदि मारला शिशुवध यदि कला छोट शिशु को यदि बद्ध करिबा बा गर्भरे थिबा भ्रूण को नष्ट करिबा महापुरुष लिखिथिले कथा बाबरे देखिबे आपण माने कि पशु हरिबे के गर्भ नासिबे गर्भरे थिबा संतान को हत्या करिबा ये तीनिटी कर्म जे करंती जीवन थाउ से मरंती भागवत कौन कहउचंती हितवाणी देई कहउचंती चेतना देई कहउचंती हितोपदेश देई कहउचंती बाबूरी ये जीवन थाई कि मध्य से लोक मरीगला पड़ी चितार बंची थाउ सी मरी जीवा सदृश सी मरीगला भली तार अवस्था मला भली तार अवस्था ही जाए ये तीनटी कर्म जी करती स्त्री गर्भिणी शिशु ये तीन टाक जी बद्ध करते तेणु से अच्युतानंद चौष्टि पटल कहते हैं बाबूरे बाल हत्या दोषी सात सहस्र स्त्री हत्या रे बतीस हजार तो स्त्री हत्या रे मध्य केते आयुष कलिजुगर क्षय हे बतीस हजार वर्ष बतीस सहस्र कह बतीस हजार वर्ष स्त्री हत्या आज हो बधु हत्या होनेक घरे घरे अनेक अंचल अनेक गाँव आउ कौन कहले ना गोदंडा चाष रे जाए चालीस हजार मातृहरण रे पांच सहस्रणी
कर सहस्रनी कर बाबो सहस्रनी कर सहस्रनी कर बाबो सहस्रनी कर बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की गोतंडा चासरे जाए चालीस हजार आपण देखंतु गाँव रे धंडा कहते सेठी दंडा सेठी की जीवनी हेटा मशाणी गाँ मशाणी सेठी की जीवनी गोचारण भूमि से गो एवं दंडा सेठी की तुम्हें जीव ना चाष जमी सी नुह गोचारण भूमि दंडा सी मशाणी सी कितु अच्युतानंद महापुरुष कौन हे रामचंद्र कली जुगर वारण बेल शेष बेल जो आसब से कौन करे ना गोदंडा चषिबे गालुआ चर कह बाबू रे गोदंडा चषिबे गालुआ चर गोदंडा को चाष करेंगे ताकू मार हूँ आज देखते चारे नुगे जी आप दंडा देखा पाऊ आग भाया अच्छे गाँ मशाणी की मड़ बस गोचारण भूमि ना गोचारण भूमि आज आठ ना गोर मान चरवे ना ये चारण भूमि आज कड़ी जुगर शेष बेले ना गोदंडा जदि चाष हुए गोदंडा को जदि चाषी मैंने चाष करें चाष जमीर परिणत कर दिंती विभिन्न कला कौशल लगे जी पटा करदे अख्तिर को ने महापुरुष कहते चालीस हजार वर्ष कड़ी जुगर आयुष चार लक्ष बतीस हजार क्षय मातृहरण से पांच सहस्र निकर मातृहरण से पांच सहस्र वर्ष अर्थात पांच हजार वर्ष कड़ी जुगर क्षय चार लक्ष बतीस हजार वर्ष कड़ी कले माता पुत्र ठारे बळीब मन माता पुत्र ठारे बळीब मन देड़ सुर भाई बहु अज्ञान देड़ सुर भाई बहु अज्ञान थोड़े पुतुरा प्रीति वचन थोड़े पुतुरा प्रीति वचन मोहिनी मुखरे भाई चुंबन मोहिनी मुखरे भाई चुंबन इभली कली जुगरे आपण देखिबे माता पुत्र ठारे बळीब मन देड़ सुर भाई बहु अज्ञान खुड़ी पुतुरा प्रीति वचन भयणी मुखरे भाई चुमन भारी जा को घेनी करीबे घर भारी जा को घेनी करीबे घर विष्टा भकीबे गो माता कपिला विष्टा भकीबे गो माता कपिला खीर खीन गाई घृत आंबिला खीर खीन गाई घृत आंबिला यते ते कथा होइले जाना यते ते कथा होइले जाना कड़ी से सबोली से प्रमाण कड़ी से सबोली से प्रमाण सुधी यानी महापुरुष अच्युत कली जुगर लक्षण कहते लक्षण कहवाक जाए कौन कहले सामाजिक व्यवस्था सामाजिक लक्षण लोक चरित्र कौन कहते ये बड़ी हम माई भण जार बीरती होइब माता पुत्र रति दान भौड़ालो माता पुत्र रति दान माई को देखिले माता को दे जीवे वचन कही दारुण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कली जुगरे मातृहरण रे कली जुगर आयुष अच्युतानंद महापुरुष कहले केते कटिव पांच हजार वर्ष आज देखु अनेक स्थान देखिए संपर्क आज कलुषित संपर्क पवित्र संपर्क आज अपवित्र कलुषित कहीं कलीर प्रभाव कलीर प्रादुर्भाव बारण बेल कली जुग आसिले या हम ही बोली अच्युतानंद मालिकार चेतना दे कही भविष्यवाणी आकार तेनाली कहले विश्वास घात दोषे सहस्र चालीस चुका थरु कटि जीव सुण पंडो
शिष्या सुना पंडो शिष्या बाबू सुना पंडो शिष्या सुना पंडो शिष्या बाबू सुना पंडो शिष्या विश्वास घातक दोषे सहस्र चालीस चालीस हजार वर्ष विश्वासघातकता जोगु लोकमानंकर लोकमानंक प्रति विश्वासघातकता जणंकर जणक प्रति विश्वासघातकता आज जोर बढ़ी महापुरुष माने सेइतिपई कहिछन्ति कले बाबुरे परोक्षे कार्य हंता चाणक्य कहिले ताका नीति श्लोक रे कले परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्यतादृशं बंधो विषकुंभं पयोमुखं परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम परोक्षरे आपणकर कार्यरे बाधा विघ्न सृष्टि करुते विश्वासघातकता करी किंतु प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामनारे आसी पहुँची गले पाखरे पहुँची गले राम बाबू तम बढ़िया लोक ए खंडमंडल कहीं ना ये भल आप भारी भल पाए आपण को भारी भल पाए आपण को काम को भारी भल पाए आपण को विचार को भारी भल पाए आपण को बुद्धि की मुझ प्रशंसा करी चारे आपणकर उदाहरण मुझे ये भाई प्रत्यक्ष जी प्रियवादी ता कथा कहते भल मन को मनैला भाया टेकिला भाया प्रशंसा कला भाया सुहाइला भाया तोषामती कला कला भाया कथा कहती पाखे थे बेले कि दूर को टे चलीगले पचर कौन करती विरुद्ध कहते क्षति पहुँचाती कार्य परोक्षरे आमर निंदा गाती अपमान करती विश्वासघातकता करती ये भाई बंधु विषकुंभ पयमुखम उपरे गोटे कुंभर गोटे मठियार भितर हलाहल विष ता मुहर टे अमृत भि ये बंधु को तुरंत त्याग करवा दरकार तेणु विश्वासघातकता संसार रे जनक प्रति जनकर जो जोर बढ़ीजी एवं ताकू कलीजुगर आयुष चारि हजार वर्ष क्षय चालीस हजार वर्ष क्षय हो बोली अच्युतानंद कही चौसठी पटल बाबूरे परी कड़ी जोग पापे क्षय पांच हजार वर्ष केवल पांच हजार वर्ष केवल पांच हजार वर्ष केवल अरे बाबूरे यही परी कड़ी जुग पापे क्षय यहीपरी कली जुग पाप जोगू एतिक वर्ष कली जुगर आयुष कटिज चारि लक्ष बतीस हजार वर्ष रु केवल पांच हजार वर्ष केवल रही केवल पांच हजार वर्ष कली जुग ही भोग हे ये तो महापुरुष चौसठ पटल चेतना दे कह जदि ए कथा को जाणी शुणी सब शुणी सब बुझी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कहते बाबूरी कली जुगर लोक बड़ आंटुआ पर ये कथा को कौन करेंगे ना ये कथा को ये कान पुरेबे पटे बाहर करदे कानेर गामुछा पक शुणुवे शुणी सारापर गामुछा को सही झाड़ी देखी पड़ जी जो आसते सही था या घर को नहीं गले भारी हईराण कर या मन रखिले बहुत हईराण हवा तेणु से हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी ज्ञानी कहार उद्देश्य ये कथा को भल रूप से बुझा दरकार कड़ी जुग आयुष ये पाप जुग कटिव तेणु सी कर्म आम करना जहाँ शास्त्र विरुद्ध जहाँ नीति विरुद्ध जहाँ संस्कृति विरुद्ध जहाँ धर्म विरुद्ध से भली कर्म आम करना धर्म शरण गच्छामि सत्यं शरण गच्छामि नीतिर शरण को आसवा संघं शरण गच्छामि धर्मर शरण को आस सत्यर शरण को रे कड़ी जुगर मणीषा नीतिर शरण शरण को तुआ संस्कृतिर शरण को तुआ संस्कृति अनुसार चलनी कर ताहले सिना संसार कूल को बिहन सत्य युग रहा महापुरुष से कहते मोहर कहला कथा न मानिबे जे हो जोग माया मुखरे पड़िबे निसे से हो जोग माया
ତାର ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ସେ ହୋ ଯୋଗ ମାୟାର ମୁଖରେ ଯେ ପଡ଼ିବେ ସେ ହୋ ବୋଲେ ମୋହର କଥାରେ ନ ମାନିବେ ଯେଉଁ ମୋହର କହିଲା କଥା ନ ମାନିବେ ଯେଉଁ ମୋ କହିଲା କଥାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତା ରେ ବି ହରେ ବି ହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଦାତା ଇଏ କର୍ମ ବାମ ହେଲେ କଳ୍ପନା ଗ୍ରାସିବ ପ୍ରକୃତି କାଟିବ ଚିତା ମୁଁ କହୁନି ଏ ଭଗବାନ ଏ ନିୟମ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା କହିଲେ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ବି ହରି ଯିଏ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ସିଏ ଚେତିଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବିହନ୍ତ ପୁରୁଷ ମଲା ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବ ଜାଣୁଥିବ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କ'ଣ ନା ସେ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କି ଯିଏ ଚୋଇଁକି ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ଉଠେଇଗଲା ହେଲା କି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା ସେ ମରିବ କାଳର କପଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ମାୟା ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଉ ଯୋଗ ମାୟା ମୁଖରେ ସେ ପଡ଼ିବି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମନ୍ନାଡ଼ି ସ୍ୱଧୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁଳ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାସ ଶରଣ ସାରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସାରୋଜ ପାଦେ ଯତୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନମିରିବ ନମିରନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନମିରନ୍ତି ହରି ବେଦେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରାଧେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ସୁଧୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଠ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।